हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मूवी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये शाहरुख खान की मूवी है। यस, उनकी अपकमिंग मूवी का ट्रेलर का रिव्यू देने वाली हूँ। आई होप मैं अच्छा रिव्यू दूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मूवी राजकुमार हिरानी जी का है जिन्होंने पीके, थ्री इडियट, संजू जैसे मूवीज बनाया है। तो ऑब्वियसली पीके इज द मोस्ट फेमस मूवी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था पीके, थ्री इडियट्स भी बहुत अच्छा लगा था। ये दोनों अलग ही टाइप के मूवी थे। आई होप डंकी भी अलग टाइप का हो क्योंकि मैंने ना आज तक कभी, मतलब जैसे थ्री इडियट्स इनके, मतलब राजकुमार हिरानी जी के कोई भी मूवीज ऐसे मैंने अलग से ट्रेलर नहीं देखा था क्योंकि मैंने स्कूल दैट टाइम और मैं इतने सब नहीं देखती थी। बाद में मैंने जब मैं कॉलेज में गई तब मैं वो मूवीज देखा है। सो देखते हैं कैसा जाता है ये। शाहरुख खान तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, वो हिट के ऊपर हिट दिए ही जा रहे एक के बाद, और ये भी ऑब्वियसली हिट होगा ही। सो लेट्स स्टार्ट। जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा। यहाँ मिले चार उल्लूदे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स है एंड ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है, मतलब गौरी खान भी प्रोड्यूसर है राजकुमार हिरानी के साथ। एंड इसमें विकी कौशल है, तापसी पन्नू है, शी इज बैक एंड विद होम शाहरुख खान। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने सो एक है बाल काटता है और एक अभी तक जितना देखा मैंने एक ड्रेसेस बेचता है। सो ये दोनों है बुग्गू एंड पल्ली, ये दोनों देखते क्या है। फटे फटे साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखिया अच्छा राइट हो गया, फिर आपको छोटे कपड़े क्यों चाहिए। एक्चुअली द थिंग इज ये कोई वो नहीं है कि मोटे हो पतले हो, तो जिसका जैसा साइज है वही है, नथिंग एल्स। इसमें नॉर्मली कुछ इतना मतलब बुरा नहीं बात की गई, अब मुझे छोटे कपड़े चाहिए, आपको बड़े कपड़े दिखा रहे हैं। जो साइज है सबके अपने अपने चॉइस है, वो पहन ही सकते हैं, राइट। कि अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा ते फुल स्टॉप। और उनके साथ ओके विकी कौशल, उनको इंग्लिश आते हैं, उन्होंने सारे वर्ड्स बोल दिए जो जो आते हैं उन्हें। ओ माय गॉड, विकी कौशल यहाँ पर। अच्छा ये लोग सब विलेज के है ऐसे दिखा रहे हैं, दे आर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। एंड विकी कौशल ने जो जो इंग्लिश वर्ड्स बोले, कॉमा, कॉलन, ये सब, ओ माय गॉड मैं क्या बोली, मतलब हंसी भी आ रहा है। बट आई होप ये कॉमेडी मूवी हो क्योंकि अभी तक थोड़े से कॉमेडी सी आ रहा है। आई होप ये कॉमेडी मूवी हो। मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है। मेरी मन्नू मीन्स तापसी पन्नू। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती कुवाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। ओके, शाहरुख खान को कुश्ती आती है एंड तापसी पन्नू उसकी गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली, लाइक शी द हीरोइन। एंड शाहरुख खान यहाँ पर बहुत ओवरवियर्म लग रहा है। मुझे ये देख के याद आ रहा है फैन मूवी में, जैसे शाहरुख खान फैन जो मूवी था ना, शाहरुख खान को थोड़ा सा छोटा बनाया गया था, जो वो यंग वाला फेस उसका लग रहा है। इज नॉट लुकिंग लाइक एन इज अ 50 ईयर ओल्ड मैन। वाओ नाइस। और तापसी पन्नू उसके प्यार में पागल है, उसके लिए कुछ नहीं सुन सकते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता। सो ये जो गाना है लुट गया, इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लग रहा है। पूरा गाना सुनूंगी तो अच्छा फील आएगा। आई नो ऑब्वियसली थिएटर में वो गाना, थिएटर में मैं सच बोलूं थिएटर में मूवी सारे मुझे अच्छे लगते हैं, वो खराब हो या ना हो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि थिएटर में देखने में मजा ही ना लगाता है। आई फील अमेजिंग इन थिएटर व्हेन आई गो। एंड ये गाना ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, आई नो दैट। एंड बट मैं सच बोलूं मुन्ना भाई एमबीबीएस वॉज माई फर्स्ट चॉइस, थ्री इडियट्स, सॉरी
एनपीके संजीव लकी नाउ मुन्ना भाई मुझे तो पसंद नहीं आया था पर लेट्स गो लंदन पहुंचा सकता हूं इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आई वांट टू गो टू लवाटरी आई वांट टू गो टू लवाटरी आई डोंट वांट टू गो टू लवाटरी आई तो जी डन लवाटरी लवाटरी कर दिया चलो एक वो पानी का जग लेके आए हां एंड उसने बोला आई एम डन लवाटरी ये मजे रहा था पर अभी तक मुझे कॉमेडी सीन ही दिख रहा है आई होप ये फुल कॉमेडी हो क्योंकि बहुत दिनों के बाद ना कॉमेडी मूवी देखने का मन है क्योंकि मुझे वायलेंस मूवी इतना पसंद नहीं आई होप ये वायलेंस वाला नहीं है लेट्स सी So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है हाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहे तो यहाँ पर जो लिखा बोला गया ना कि आपको यहाँ पर एक समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश तो आप वहाँ जब भी कैसे रहोगे एंड आई थिंक ये गलत है आप इंग्लिश थोड़ा भी आपने जैसे मैं बोल रही हूँ थोड़ा भी आता है ना तो आपको हो जाता है यार दिस इज नॉट करेक्ट इंग्लिश नहीं आएगा तो आप नहीं जा पाओगे ये नहीं रह रहा पंजाब में इसको आता है इंग्लिश पंजाबी का सुन सर राज कि लाइक रॉबी की क्वेश्चन है सही बोले इसको पंजाबी आती है क्या मतलब आता है क्या अगर वो इंडिया में जिसको भी पंजाबी आते हैं एग्जैक्टली अगर वो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी हिंदी पंजाबी सब आना चाहिए वी शुड ऑल्सो लर्न टू नो टू स्पीक हिंदी एंड एवरीथिंग अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं वहाँ जाने के लिए इंग्लिश को आना चाहिए तो उनको भी हिंदी आना चाहिए उनको भी हिंदी में बात करना चाहिए Am I right? And let's see. चल राज करके गए अंग्रेजों पे जब यू यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या मुझे लग रहा है ये इमोशनल होने वाला है कोई तो मरा है देन सी आप जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको मुझे लगता है विक्की कौशल नाम यहाँ पर मर जाता है मुझे फील आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब ये फिनर दिखा रहे ना उसमें मिकी कौशल इज नॉट देयर मुझे फील हो रहा है उसको रिजेक्ट किया गया है लंदन जाने के लिए उसने सुसाइड कर लिया आई फील लाइक मे बी आई एम रॉन्ग बट आई फील लाइक सो अभी जो ये दिखा रहे हैं कि लाइक नाउ दे वी गो टू लर्नर बाय हुक और क्रूक ऐसे दिखा रहे हैं ये जो बाकी बचे हुए हैं उनके ग्रुप में वो लंदन जाएंगे पानी से दिखा रहे हैं जा रहे हैं पता नहीं गाड़ी से भी जा रहे हैं ये सब जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग एक इंसान दिखा रहा है आग में जल रहा है बहुत सस्पिशियस है ये मूवी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग है मुझे लग रहा है ऐसा रखा है कि लोगों को समझ ही नहीं आया चल के आ रहे क्या मूवी आके देख रहा है पहले से समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं तो लोग जाके नहीं देखेंगे इंटरेस्टिंग शाहरुख खान तो पकड़ भी लेते हैं बहुत खुश करते हैं सारे रन में पहुंच जाते हैं इतना तो समझ में आ रहा है फिर वहां पर फाइट हो रहा है आई डोंट नो कौन किसको कहां ले जा रहा है मुझे सभी तक समझ नहीं आया पर इतना बताया कि टैक्सी बन और शाहरुख खान लंदन पहुंच गए आई होप हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था वरना कोई अपना देश अपना परिवार अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने चैतर ये बोल रहे कि खान बोल रहे कि हमने मजबूरी में अपना होम टाउन छोड़ा है वरना वन क्यों जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके उससे कंट्री में गोली खाने मजबूरी क्या है वही जानना है उसके तो वो भी देखना पड़ेगा पर ऑब्वियसली इज राइट क्यों लोग जाएंगे काम करेंगे पैसे कमाने इसलिए जाते हैं ना लोग बाहर जैसे बाहर के लोग इधर आते हैं इंडिया में दैट्स राइट एग्जैक्ट पॉइंट अब देखते आगे ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा इनका एक कॉमन डायलॉग होता है कहानी मैंने शुरू किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगा वाओ काश मैं भी बोल सकती सब तेरे लाइफ में कहानी मैंने शुरू किया है और कहानी मैं खत्म कर रही वाओ क्या मजा आता लाइफ में वाओ चुप कर मुंह बंद 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लो हड्डी जय हिंद
जेनुइनली मैं बताऊँ तो इतना समझ आ रहा है ट्रेनर देख के कि जो मैंने आपको भी बोला कि दे वांट टू गो टू लंदन एनी हाउ फॉर वॉट एवर रीजन इज, मुझे नहीं पता, वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आई फील लाइक कि वो पैसे कमाने के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें आई थिंक विकी कौशल मर गया है एंड बाकी चारों में से चार या पांच में से मुझे नहीं पता, तपसी पन्नू और शाहरुख खान तो गया है बाहर, ये पता है गर्ल्स एंड बॉयफ्रेंड है, हीरोइन है, बाकी लोग गए कि नहीं मुझे अभी तक इसमें समझ नहीं आया, बट दे स्ट्रगल द लॉट टू रीच दैट प्लेस एंड उसके बाद वो बोला कि कहानी शुरू, मैंने शुरू किया तो कहानी मैं ही ख़त्म करूँगा, फिर वो डॉन बन गया, मुझे लग रहा है आई डोंट नो डॉन भी बन सकता है, भरोसा नहीं है, डॉन बन गया, बन के वो भी मार रहा है, वो लोग भी उसको मार रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पता नहीं इनकी मूवीज इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होता है। लेकिन एक बात बताती हूँ, राजकुमार हिरान हिरान जी के जो मूवीज आते हैं वो ट्रेलर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मूवीज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, मतलब ये कंफ्यूजिंग वाला ट्रेलर ऐसे लगता है कि लोग जाके देखे कि थिएटर में आए कि मूवी का एक्चुअल रीजन क्या है, कौन मरा, ये कौन क्या हुआ। लेकिन मैंने वो गेस किया कि विकी कौशल शायद सुसाइड किया, मुझे नहीं पता, शायद ना भी किया होगा, आई डोंट नो, तो वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वेरी कंफ्यूजिंग ट्रेलर एंड बट हाँ, उन लोग ने बहुत अच्छे अच्छे जगह में जाके शूट किया है, ओह माय गॉड, द सी व्यू, द माउंटेन व्यू, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगह में जाके किया है, इतना तो समझ में आ रहा है। बाकी का आई डोंट नो, आई वो मैं गलत ना हूँ, जो मैंने बोला वही हो, मूवी रिलीज होगा तभी पता चलेगा, 21 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, आई होप मैं जाके देखूँ और मैं बताऊँ, और शायद मैं मूवी देखने के बाद भी आपको रिव्यू दूँ कि मुझे कैसा लगा मूवी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल, कमेंट ऑन माई वीडियो, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट विल बी एडेड डाउन। And yeah, this is my first review. So I hope मुझे आप प्यार देंगे, मैं सीखते जाऊंगी, पहली बार किया है तो मैं और सीखूंगी, आप मुझे और बताओ कि मैं कैसे और बोल सकती हूँ। But first time I was feeling nervous, but it's okay. धीरे धीरे यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग किया था ब्लॉग, तब भी मैं नर्वस थी, मोबाइल है कैसे 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 करूँ, बट हाँ हो जाता है, आई होप मैंने जस्टिस किया है जितना मुझे समझ में आया। पार्किंग ट्रेलर खराब नहीं है, इन अगर कन्फ्यूजिंग कि क्या होगा क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, कि वहाँ जाके क्या होता है कुछ समझ नहीं आया, बट इट्स गुड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।